हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बनाऊंगी अंडी का पास्ता, जिसे मैं आज वन पॉट पास्ता बनाऊंगी। आप इसे सुबह या फिर शाम को नाश्ते में बना सकते हैं। सिंपल और बहुत ही इजी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल ले लिए है। स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी या फिर आधा चम्मच। दो अंडे लिए हैं। अंडों को मैं मीडियम हीट पर हल्की सी बस ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लूँगी। अगर आप वेज बनाना चाहते हैं तो अंडों को स्किप कर दीजिए। तो अंडों को हम लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे हल्की सी बस फ्राई ब्राउन हो जाने तक। अंडे जब हमारे फ्राई हो जाएंगे, इसमें हम प्याज, टमाटर और हरे मटर डाल देंगे। अगर आपको मटर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। प्याज और टमाटर को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अगर आप वेज बनाना चाहते हैं तो अंडों को स्किप करके सेम तरीके से बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सब्जियां हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम काले मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। चाहे तो आप हरी मिर्ची भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। जितना आप पास्ता लेंगे उसी के हिसाब से सेम क्वांटिटी में आप पानी ऐड करें। मतलब एक कटोरी मैंने पानी लिए है तो एक कटोरी ही मैं इसमें पास्ता ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे। एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनीगर, जिससे हमारे पास्ता बिल्कुल नॉन स्टिकी रहे, एक दूसरे के साथ ना चिपके। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को कर देंगे हाई पर और इनमें अच्छे से एक बॉयल आने देंगे। एक कटोरी मेरा पास्ता है, आपकी पसंद आप कोई भी शेप की पास्ता ले सकते हैं। मिक्स करेंगे मीडियम टू हाई हीट पर। बस पास्ता को हमें बॉईल हो जाने तक पका लेना है। साथ ही मैं इसमें पास्ता सॉस ऐड कर दूंगी। आप चाउमीन मसाला, मैगी का मैजिक मसाला या फिर आपकी पसंद का कोई भी पास्ता मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम पकने देंगे, पास्ता को बॉईल होने देंगे। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है। आखिर में इसमें चीज़ ऐड करेंगे हम। चीज़ को आप चाहे तो ग्रेट करके ऐड कर दें। तो इसे मैं बीच में दे दूंगी और कवर कर दूंगी, जिससे हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है और हमारा सिंपल वन पॉट पास्ता, एग पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब इसे आप गर्म ही सर्व करें। सुबह या फिर शाम को नाश्ते में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी आपको वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।